दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से बात करने वाले हैं रेलवे सिमुलेटर इंडिया गेम के बारे में। इस गेम की अपडेट अभी तक नहीं आई है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो कि भाई इसकी अपडेट कब आने वाली है, इसके लिए वीडियो बनाओ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका लोगो भी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो साफ जाहिर है कि भाई गेम पर पूरा काम हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो ये लोगो भी चेंज हो चुका है। अब देखिए जो अपडेट आई है लास्ट अपडेट वो 15 जुलाई को आई थी 2024 के अंदर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अभी जो है अपडेट कोई भी नहीं देखने को मिली आपको। अब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कब इसकी अपडेट आने वाली है, जिसके इसमें बहुत सारी चीज़ें अब आना बाकी हैं, मतलब कि इंक्लूड हो चुकी हैं, अब आपको मिलना बाकी है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो अल्फ़ा टेस्टिंग है वो हो चुकी है, अब यहाँ पर फाइनली पब्लिक के लिए अपडेट है वो रिलीज करेंगे डेवलपर। अब ये कब रिलीज करेंगे उसके लिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को बोला है कि इसकी जो अपडेट है कब आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी, लोगो भी चेंज हो गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम प्ले करते हैं तो डेवलपरों ने जो प्लान करके रखा है उस प्लान के अकॉर्डिंग बताएं तो दोस्तों यहाँ पर दिवाली के आसपास अपडेट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, और मैंने पिछली वाली वीडियो में भी दिखाया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर काम वगैरह फाइनल हो चुका है, अल्फ़ा टेस्टिंग भी हो चुकी थी इसकी। अब यहाँ पर देखिए फाइनल अब जो है इसकी हो सकता है कि बीटा टेस्टिंग हो या हो सकता है डायरेक्ट पब्लिक को अपडेट मिल जाए। अब देखिए अपडेट है जो मोटा मोटी डेट तो नहीं है भाई, हो सकता है कि अपडेट आपको 2-4-10 दिन में देखने को मिल जाए। अभी डेवलपर की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं की गई है, ठीक है, कि अपडेट कब रिलीज होगी, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। मेरे को भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि अपडेट इसकी कब आएगी। मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको जो कि यहाँ पर पहले से मेंशन करके रखा है, ये सारे फ्यूचर प्लान है डेवलपरों के, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल चुकी हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि दिवाली और गणेश जो है छठ पूजा की जो पूजा होती है उसके आसपास आपको अपडेट देखने को मिलेगी। और दिवाली का आपको सभी को बताएगा अभी कितना टाइम है, आप खुद ही देख लेना, ठीक है ना। तो करीब करीब अगर मोटा मोटी माने तो 15 से 20 दिन 20 से 25 दिन मानिए इतना टाइम लग सकता है अपडेट को आने में, ठीक है ना। इस डेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी यहाँ पर इन्होंने डेट भी नहीं है, ये यहाँ पर दिवाली और छठ पूजा के आसपास इन्होंने अपडेट के बारे में बताया है, ठीक है। अपकमिंग जो अपडेट है यहाँ पर एक ऐड आ गया यार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है मैंने आपको पहले बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। अब आप लोगों में से किसी को जानकारी हो कि भाई नहीं अपडेट आपको हमको जो है जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी तो आप बता सकते हो, पर हाँ अभी तक जो डेवलपरों ने ऐसा बताया नहीं है, ठीक है। और उससे पहले ही अपडेट आ सकती है दोस्तों, ऐसा जो है बताया जा रहा है, ठीक है। तो अपडेट के लिए आपको रेडी रहना है और जैसी अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो जरिए बता ही दूंगा। अभी फ़िलहाल में जो है इस पर कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी में अपडेट कब आने वाली है, अपडेट कब आने वाली है। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर समय लगेगा थोड़ा सा, और जैसी अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा आपको वीडियो के जरिए। फ़िलहाल में जो है आपने अगर ये गेम पहली बार देखा तो जाकर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी का जो अपडेट है वो अपडेट जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, दिवाली से हो सकता है पहले ही देखने को मिले, ठीक है। उससे ऊपर नहीं होगा, उससे पहले अपडेट आपको फिलहाल में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें सिग्नल की भी प्रॉब्लम थी वो भी डेवलपरों ने सॉल्व करी है, ठीक है। पहले इसमें सिग्नल नहीं थी, स्पीड लिमिट कहाँ कहाँ पर है वो सब इंक्लूड करी है, तो गेम में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है ना। तो मेजर बग्स भी आ जाते हैं दोस्तों, तो वो भी फिक्स करने होते हैं, गेम का ग्राफिक्स है वो भी फिक्स करना होता है, ठीक है। और कौन कौन से मोबाइल में सूटेबल है वो भी डिवाइस जो डेवलपर है उस वर्जन को भी सूटेबल करते हैं कि ये जो हमारा वर्जन लोएस्ट डिवाइस से लेके हाईएस्ट डिवाइस में अच्छा परफॉर्म करे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब डेवलपर अपडेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इससे पहले वो सारी चीज़ें टेस्टिंग करते हैं, अल्फ़ा टेस्टर्स के हैं उनको कराते हैं, बीटा टेस्टर हैं उनको कराते हैं, करने के बाद जब ओके रिपोर्ट मिल जाती है जब फाइनली पब्लिक को अपडेट देते हैं, ऐसी अपडेट नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर इस डेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। तो उससे पहले ही आपको अपडेट देखने को मिलेगी, इस डेट पर मत जाना। आप बोलोगे टेक्निकल गेमिंग भाई आपने दिवाली के आसपास बताया था उससे पहले अपडेट आ गई, भाई मानता हूँ आ जाएगी अपडेट, क्योंकि डेवलपरों ने सारा काम करके रेडी रख दिया है। अब अपडेट है वो जल्दी ही प्रोवाइड कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसी अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा, और आप परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत भाई कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों मैं मानता हूँ कि इस पर आपको बहुत सारी जो है
चीज़ें देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सुख हो रहे होंगे कि भाई ये हमको कब चलाने के लिए मिलेगा, तो टेंशन मत लो, आपको चलाने के लिए मिलेगा और जल्दी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लो, जल्दी आपको अपडेट मिलेगी। और अगर मेरा डेवलपर से कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो मैं उनसे पूछ के भी आपको एक दो वीडियो मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट अपडेट आपको कौन सी गेम से रिलेटेड चाहिए वो भी मेरे को कॉमेंट में बता देना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।